देना चाहते हैं, क्योंकि आज मैसेज भी आप एक दूसरे को दीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मेरा फर्स्ट लव सर इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी अगर सर मैं उस पर किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पा रहा, तो सर मेरा सर जो मेन मोटिवेशन था, मैं फार्मर ज्वाइन करना चाहूंगा। हाँ फार्मर इंडस्ट्री में चाहूंगा सर, 2-3 साल उस पर जॉब करूंगा मैं, उसके बाद सर अपनी इतनी सेविंग करूंगी सर की मैं कुछ लैब खोल सकूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सर मेरे को बिजनेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सर अगर मैं सर जॉब से पैसे कमी मेरी अगर बिजनेस इनकम होगी तो सर मैं खुद का मालिक हूँ, खुद मेरी वहाँ चलेगी, किसी दब के नहीं रहना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात ये भी युवाओं में ये सोच भी हमें विकसित करना चाहते हैं विस्तार, कि आप कुछ साल में जॉब करके स्वयं का व्यापार खोले। व्यापार के बारे में एक मैं आपकी बात अलग कर दे रहा हूँ कि आप सोचे कि 10,000 कंपनी में नौकरी से, ऐसा नहीं होता, व्यापार में पैसा ज्यादा करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुम व्यापार को कितने बड़े लेवल तक ले जा सकते हो। क्योंकि आप जानते हो कि अगर व्यापार अगर अंबानी के लेवल पे चले गए तो फिर तो आपकी पूरी पीढ़ी को कभी खाना नहीं पड़ेगा नौकरी के लिए। और आप सबको ये ध्यान रखना है, बिजनेस इसलिए भी आप करें, इसका मेन कारण क्या है, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ के जाना है। आने वाली पीढ़ी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जो आपके पापा लोग आपको सपना दिखाते रहते हैं, अब वो नहीं है उनके पास। आने वाली पीढ़ी के लिए महंगाई भी है, उनके डिमांड्स भी रहेंगे, रहना खाना दुनिया में बहुत मुश्किल हो चुका होगा, तो उनके लिए एक अच्छा बेस बना के भी हमें जाना। वो बिजनेस के रूप में बिजनेस छोड़ के जाइएगा उनके लिए, कम से कम वो नौकरी के लिए रास्ते में भटके ना, फिर आपको ना सुना है कि हे पिता क्या किया आपने मेरे लिए। आप ऊपर से कहोगे बेटा मैंने भी नौकरी ढूंढी, तू भी नौकरी ढूंढ जा, ठीक है, अभी तो थोड़ी बहुत मिल भी जाती, तब कहाँ मिलेगी, तब तक तो गवर्नमेंट जॉब बंद हो चुकी होगी, एमएनसी सब जबलपुर में भी आ चुकी होगी, अच्छी बात है मल्टीनेशनल जबलपुर में आ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पवन ऑलराउंडर अवार्ड आज उनको मिलने वाला है। सर, एक चीज कहना चाहता, अच्छा बताओ, अगर माइक चालू कर लो, ऊपर कर लो, हाँ बताइए, हाँ चालू बताइए, देखिए जब तक आप इसने सेकेंडरी ऑप्शन ये बना के रखा है कि मैं बिजनेस भी करूंगा, अगर ये चीज के फोकस अगर दो जगह चला गया ना तो आर्मी से कभी नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, ये चीज पहले गलत मानी जाती थी, लेकिन अभी ये चीज बुद्धिजीवी भी कहता है, हम ये नहीं कह रहे फोकस दोस्तों में तोड़ो, हम ये कह रहे हैं कि आप अपना एक सेकंड लेवल का सोच के रखो, क्योंकि लेवल वन अगर आप गवर्नमेंट जॉब को दे रहे हो तो ये ध्यान रखना 10% ही पॉसिबल है, और अगर गवर्नमेंट जॉब अगर आप कह रहे हो तो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी ध्यान रखना अब आपके हाथ से बाहर जा रही है। कई लोग कलेक्टर की तैयारी करते हैं, 37 साल का होगा लेकिन सेकंड ऑप्शन उनके पास नहीं है। देखो गवर्नमेंट जॉब में आप देख रहे हैं, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिए।